अस्सलाम वालेकुम सादी व्लॉग के मौजूद नाज़रीन, आप सबको खुशामद चैनल सादी व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं दोबारा से पहुंच चुका हूं। ये वाटर पंप का इलाका है और यहां पे जो है मार्केट लगती है अनारकली मार्केट से। ये एरिया जो है आपको दिखा देता हूं, पीछे का जितना भी एरिया है ये सारा ये जो है टच होता है अनारकली मार्केट से। और यहाँ पर आज मैं आया हूँ खसूसी तौर पर टेस्ट करने पुलाव, और इसी के साथ है दाल चावल। और जिस जगह हम पहुँचेंगे, रेस्टोरेंट का नाम है अल फैसल पकवान हाउस। तो आज जो है पेट पे जो है थोड़ा सा जुल्म होगा, क्योंकि तीन चार आइटम जो है टेस्ट करूंगा उसके साथ साथ में, और बाहर की भी कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने सफ़र पे। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरा हो गया 2 साल का करीब बेटा। माशाल्लाह मसाले तो बहुत सारे दिख रहे हैं भाई इस स्टॉल पे जो है मसाले दिख रहे हैं। ये हरी चटनी, ये है काले नमक, ये है गरम मसाला, ये है चाट मसाला, ये है कुटा मिर्ची, ये आ गई मिर्चें लगाने वाली मिर्चें हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं। जो है प्याज, छोले, पापड़ी। पापड़ी यार, पापड़ी के बगैर तो छोले में मजा ही नहीं है, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें, ये बहुत बड़ी मार्केट है। ये अनारकली मार्केट से यूँ समझ लें टचअप पे, लेकिन मेन जो फोकस है ये वाटर पंप की मार्केट है। ये देख लें, सर्दियों के मौसम में फल फ्रूट जो कराची में खूबी तौर पर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये है केले, और सामने चले जाओ, ये है यहाँ पे जूस वाला। भाई सर्दी का दिन है आज, जो है धूप आपको लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर हवा जो है काफ़ी चल रही है आज कराची में। और कैसे हो? गुड। और इसके बाद देख लो, यहाँ पर काफ़ी सारी फूड स्ट्रीट है। अब जो मैं जा रहा हूँ, ये आपको जो सामने दिख रहा होगा अल फैसल, जो आपको मैंने बताया, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो आ जाइए, बड़ा ज़बरदस्त है माहौल, बड़ा वीआईपी है, रश वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे। और ये यहाँ पे बिरयानी पुलाव। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? गुड। ये क्या चीज़ है? बीफ पुलाव। अच्छा जी, अच्छा बीफ पुलाव। और जी ये है पुलाव, ज़बरदस्त। देख लें किस तरह से शॉपर में, बहुत वीआईपी। कौन सी बिरयानी है? चिकन बिरयानी। अच्छा, बीफ अलग है आपकी? बीफ वाली नहीं बनाते बिरयानी। अच्छा, सिर्फ ओनली चिकन है, ठीक है। और क्या क्या आइटम है? चिकन बिरयानी है, चिकन पुलाव है, और बीफ पुलाव है, और दाल चावल है। दाल चावल दिखाएं? दाल चावल देख लें। हाँ 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 हाँ, ये देख लें भाई, ये देख लें, सो गुड, ब्यूटीफुल, खिलता हुआ चावल। हाँ, पंजाब पानी। ये दाल है स्पेशल, दाल चिकन दाल है, जबरदस्त। बाहर निकाले बहुत जबरदस्त। वाह भाई वाह, कैसे लगते हैं आपको यहाँ के खाने? बेहतरीन, अच्छे खाने होते हैं। जैसे आगे वाले खाते रहते हैं, रोज इधर ही आके खाते हैं दोपहर का खाना। सही, बिरयानी, पुलाव, चिकन, बीफ दोनों ही अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होता है, वीआईपी होता है। थैंक यू जी। ओह जबरदस्त भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। लोगों की देखें, यहाँ पे टूटे पड़े हैं लोग। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑफिशियल जो आपकी दुकान में लाइक किया जाता है वो क्या चीज़ है? बीफ पुलाव। बीफ पुलाव मतलब बिरयानी से ज्यादा अच्छा है? वो है तो सभी अच्छे, लेकिन माशाल्लाह बीफ पुलाव लोग काफ़ी दूर से खाने आते हैं हमारे पास। अच्छा जी, देखें फ्रेंड्स, बिरयानी तो काफ़ी जगहों की टेस्ट कराई है, आज जो है पुलाव आपको जो है टेस्ट करके दिखाते हैं। अच्छा, बिरयानी भी हमारी बासमती चावल में होता है, तो अक्सर लोग सेलाई में बनाते हैं। हमारे पास बासमती राइस की वजह से बहुत बेहद लोग पसंद करते हैं माशाल्लाह, यहाँ पर खाने आते हैं हमारे पास दूर दूर से लोग खाने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा हर दफ़ा की तरह से होता है, आज सलमान साहब से भी हम क्वेश्चन करते हैं, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? हमें तकरीबन 40 साल हो गए इस इलाके में। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओपनिंग क्लोजिंग कब होती है? ये होती है सुबह 11 बजे और रात को 10 बजे तक। सुबह 11 से रात 10 बजे तक। ओके जी, ओके। पहले छोले टेस्ट किए, उसके बाद जो है ये आ गया पुलाव। पुलाव जो है यहाँ पे जो है इनका बहुत ज़्यादा फेमस है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग लाइक करते हैं, इसको खाते हैं और टेस्ट करते हैं। ये देखें, वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। देखें बॉडी, देखें ये, देखें आप
सी ज़बरदस्त बोटी है, खिलता हुआ गोश्त है, साफ़ सुथरा, और थोड़ा सा जो है रोगनी भी है इसके अंदर, रोगनी बोटी भी शामिल है। चावल देख लें बिल्कुल साफ़ सुथरे, वाह 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 वाह, एक दो तीन तीन बोटीज़ हैं इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त खिलता हुआ बड़ा बड़ा चावल देखें कितने साइज़ का चावल है, ये आपको दिख रहा होगा, एक चावल देखें कितना बड़ा है ये खिलता हुआ VIP पानी वाला चावल। और दाल देख लें बिल्कुल ऐसा लग रहा है हलीम और दाल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हलीम की तरह है बिल्कुल, और नीचे वही चावल, चावल जो है मुझे जो है एक ही क्वांटिटी का लग रहा है क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, और दाल में वही चावल यूज़ हुए हैं, पुलाव में वही चावल जो है यूज़ हुए हैं। तो पहले जो टेस्ट करेंगे वो पुलाव, उसके बाद जो है दाल चावल। पुलाव तो बहुत ज़बरदस्त है, देख लें पत्ता बिरयानी का जो पत्ता होता है वो भी डला हुआ है, और मसाला बड़ा ज़बरदस्त है, स्पाइसी हुई है। और अब करते हैं दाल चावल, जीरा भी जो है यूज़ हुआ हुआ है इसके अंदर, और दाल के अंदर इनके जो मसाले वगैरह जो होते हैं, जो नहीं बताने मसाले, वो वाले मसाले हैं इसके अंदर डले हुए। कुछ तो है बिरयानी और पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त था, हमने जो टेस्ट किया था पुलाव किया था, और उसके साथ दाल चावल जो कि हलीमी तरह से थे यार, VIP हो गया। अब मैं आपको जो लेके जाने वाला हूँ कैटरिंग, जहाँ पे सारे पकवान और सारे डिशेस वगैरह जो है रेडी हो रही है, और तो थोड़ा सा दूर है इनकी दुकान से, तो मैं आपको जो है वहाँ लेके जा रहा हूँ। खान साहब खैरियत से? हाँ जी, काजू बादाम के दिन चल रहे हैं। और ये आ गए भुट्टे, भुट्टे के साथ जो है केले, केले के बाद अब ये आने वाला है इनका कैटरिंग, सीधे हाथ की तरफ है सामने वो उस साइड पे। हे राज जी, अल फैजल पकवान हाउस अंदर इंटर होते हैं, यहाँ पे क्या क्या बन रहा है देखते हैं। हाँ जी, क्या 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 कट रहा है जी? टमाटर। टमाटर काट रहे हो? टमाटर। कैसे हो, क्या बना रहे हैं? बिरयानी बना रहे हैं। अच्छा, बिरयानी का सालन रेडी हो रहा है जी। अच्छा जी, अच्छा, मसाले वगैरह आप ऑफिशियल यूज करते हैं या आम मसाले जो बाजार में होते हैं? अपने करते हैं। आपके अपने मसाले होते हैं? हाँ जी। हाँ जी, आगे आ जाए फ्रेंड्स, देखें ये बहुत जो है ना यार, यहाँ पे देगे लगी हुई है लाइन से, वहाँ से देखें ये पूरी लाइन से जो है देगे लगी हुई है, धुएं निकलता हुआ, गर्मा गर्म माहौल हो रहा है यहाँ पे जो है, सर्दी का पता नहीं चल रहा आगे। वाह 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 वाह, ये चीज़ क्या बना रहे हैं आप? बिरयानी भाई। अच्छा जी, कौन सी? चिकन बिरयानी जी भाई। ये देख लें पूरा एक तरह से किचन का जो है काम हो रहा है। ओ गाजर का हलवा, ओ भाई गजरे का हलवा, ये कब रखते हैं आप? ये भी पकाया गाजर का हलवा। अच्छा, तो ये आपकी कहाँ पे रखते हैं? वहीं पर शॉप पे होता है आपकी? नहीं, ऑर्डर का। अच्छा, ऑर्डर पे बनाते हैं जी। ओह भाई, गाजर का हलवा भी बनता है, नीचे जो है चिकन रखी हुई है, वही बिरयानी कौरमे वगैरह के लिए अंदर यूज होगी। अच्छा, जो भी आपको ऑर्डर मिल जाता है वो आप जो है रेडी कर देते हैं? जी भाई जी, रेडी कर देते सब। बहुत ज़बरदस्त है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ भाई। ये देख लें कैटरिंग तो बड़ा ज़बरदस्त है, काम बड़ा जोरों पर हो रहा है, VIP काम हो रहा है यहाँ पे। और ये देख लें ये चीज़, ये क्या चीज़ है? पुलाव का मसाला ये। अच्छा जी, अच्छा, तो पुलाव के मसाले में ये आपने क्या डाला हुआ है? आलू बुखारे जी। अच्छा जी, किसी का ऑर्डर आया होगा ये? जी भाई। ओके जी, कैटरिंग देख दिखा दिया आपको और देख भी लिया, बड़ा VIP तरीके से काम हो रहा है, मसाले वगैरह सारी चीज़ें रेडी हो रही है। अब मैं चलना चाहूँगा, मिलेंगे हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए साथ शेख को, और वही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।